Hey guys, hello and namaste. Welcome back to my channel. My name is Roma और आज है संडे मॉर्निंग, तो हम सब लोग सारे फैमिली मेम्बर्स किसी न किसी काम में लग गए हैं. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई ऑर्गेनाइज माई रेफ्रिजरेटर टू कीप इट क्लटर फ्री. कल शाम को हमने सारे ग्रॉसरी शॉपिंग करके आए थे, बट लेट हो गया था तो मैंने सब कुछ ऐसे ही फ्रिज में डंप कर दिया था. तो अभी मैं सबसे पहले सारा सामान निकालूंगी फ्रिज से और पूरा फ्रिज को एम्प्टी करूंगी. आई यूजुअली क्लीन इट वंस इन वन मंथ और वन एंड अ हाफ मंथ टाइप्स, बट लास्ट टाइम ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, सो अ मच नीडेड क्लीन अप वॉज रिक्वायर्ड. घर में फ्रिज हमेशा छोटा ही पड़ता है. जब सिंगल डोर वाला फ्रिज था तब लगता था कि डबल डोर वाला फ्रिज होता तो कितना स्पेस आता, और अब जब डबल डोर वाला है तब लगता है इससे बड़ा होगा तो शायद बहुत स्पेस हो जाएगा, बट आई एम श्योर वो कभी नहीं होने वाला है. पर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर रेगुलरली फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखें तो काफ़ी क्लटर फ्री रखता है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस बढ़ जाता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है. और बिसाइड हेल्पिंग इट टू कीप इट नीट, इट ऑल्सो बूस्ट द कूलिंग एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर और पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस होता है, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स क्रॉस कंटामिनेशन दैट माइट लीड टू फूड पॉइजनिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी कीप आवर रेफ्रिजरेटर क्लीन रेगुलरली. आफ्टर डिक्लटरिंग माई शेल्व्स, मैं यहाँ पे पूरा फ्रिज को वाइप डाउन करूँगी, तो सारे जो भी शेल्व्स और रिमूवेबल पार्ट्स थे मैंने उनको निकाल लिया. एंड जब आप फ्रिज में यू नो स्पेशली नॉन वेजिटेरियन आइटम्स रखते हो कभी कभी वो स्मेल करने लगता है, तो उस स्मेल को रिमूव करने के लिए यू कैन जस्ट प्लेस अ स्मॉल बोल ऑफ बेकिंग सोडा. उससे जो भी फॉल स्मेल है वो निकल जाता है एंड इट इज़ सेफ ऑल्सो टू यूज़ इन फ्रिज. The inner corners of the fridge, I cleaned it using an antibacterial spray which is safe for food particles, and फिर मैंने जो shelves था उनको dishwashing gel thoroughly clean कर लिया. अच्छा, यहाँ आपके रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज़र होता है ना, दैट पार्ट इज़ यूजुअली द बॉटम ऑफ द फ्रिज. तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है मम्मीज के लिए, क्योंकि जो भी कोल्ड सामान जैसे कि आइसक्रीम हो गया जो आप बच्चों से छुपा के रखते थे ना यूजुअली ऊपर, वो आज सब कुछ नीचे रखना पड़ता है. तो दैट्स वन थिंग आई फेस यू नो हाइडिंग आइसक्रीम्स फ्रॉम रौनव. और उसको भी मैंने सेम प्रोसेस में सब कुछ डिक्लटर करके शेल्व्स निकाल के एंड आई गिव इट अ थॉरो क्लीन यूजिंग एन एंटीबायोटिक स्प्रे. इन द मीन टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो इतने काम के बीच में आई चोज द इजिएस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन. तो आज मैं ब्रेकफास्ट में कांदा पोहा या अनियन पोहा बनाने वाली हूँ. उसके लिए मैंने 1.5 कप्स ऑफ थिक पोहा को अच्छे से क्लीन करके वॉश करके फिर एक स्ट्रेनर से रिंस करके रख दिया था, एंड देन आई एडेड सॉल्ट, टर्मरिक एंड लेमन, और उसको थोड़ी देर पानी को एब्जॉर्ब होने के लिए ताकि पोहा सॉफ्टन हो जाए तो 5 मिनट्स रख दिया था. एंड देन कढ़ाई में मैंने घी ऐड किया, मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता, फिर उसमें अनियन डाल के उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया. Friends, if you're new to my channel, my name is Roma. Me and my family, we relocated to Ireland last year. I love vlogging about this beautiful country, aur main motherhood related, cooking related, organization related vlogs banati hu. So do check out the channel and subscribe to the channel. You can also follow me on Instagram at being me just another mommy for a look into my life. I post regular updates on my Instagram handle. और यहाँ पे बाहर में माय हस्बैंड स्टार्टेड लॉन मोविंग. अभी स्प्रिंग एंड होके ऑलमोस्ट समर स्टार्ट हो रहा है ना, तो टेम्परेचर काफ़ी वार्म होने लग गया, और जैसे टेम्परेचर थोड़ा अच्छा होता है तो ग्रासेस जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है. तो यूजुअली वीकेंड में टाइम होता है ये सब करने को. और रौनव वहाँ पे बोर हो रहा था तो उसको भी मैंने काम पे लगा दिया. जो साइड पैसेज है ना जहाँ पे हम अपना बिन्स रखते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीड्स हो गया था, तो उनको क्या करते हैं प्लग करना पड़ता है.
पड़ता है एंड देन वीट किलर डाल के रखना पड़ता है। तो रौनव को मैंने बोला ये इजीएस्ट जॉब है, तुम ये कर। तो उसने ग्लव्स वब्स पहन के उसने बड़ा मजा किया वीट निकालने के लिए। तो सारे अपने अपने काम पे लग गए थे। बैक टू द रेसिपी, यहाँ पे मेरा अनियन ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया था, तो इसमें मैं अब टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर एंड जीरा पाउडर ऐड करूंगी और उनको अच्छे से सॉटे करूंगी। एंड देन आई विल ऐड जो भी मेरा सोक किया हुआ पोहा था, पोहा एंड पीनट्स, द रोस्टेड पीनट्स। और आपको अगर और थोड़ा खट्टा पसंद है तो यू कैन ऐड लेमन ऑल्सो। एंड ऊपर से कोरिएंडर डाल दिया, आप चाहो तो इसमें पोटेटोज फ्राई करके डाल सकते हो, लोग पनीर डालते हैं, मटर डालते हैं, वी लाइक द सिंपल वर्जन विथ अनियन ओनली। तो हमारा कांधा पोहा रेडी हो गया। इट्स अ क्विक इजी एंड अ फिलिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी। अभी फ्रिज क्लीन करने में मुझे अनादर 1 or 2 hours लग जाएगा, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सब लोग कुछ फिलिंग सा खा ले ताकि एक सेट ऑफ वर्क आराम से हो जाए एंड देन वी कैन हेड टुवर्ड्स लंच। यहाँ पे लॉन भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था, ओनली कोने का थोड़ा सा बचा था जहाँ तक आपका लॉन मॉर पहुँचता नहीं है, तो उसको आपको ग्रास कटिंग सीजर से करना पड़ता है। घर में यार्ड हो तो उसको मेंटेन करने में आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पर बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि सो फार मैं जहाँ पे भी रहा हूँ आई ऑलवेज स्टेड इन एन अपार्टमेंट। तो यहाँ पे ना लॉन होने से आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, आपको कुछ भी करना, स्पेशली इफ़ यू आर अ प्लांट लवर, आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, शाम को बारबेक्यू, तो दोस थिंग्स आर रियली गुड। और बच्चों को भी काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है खेलने के लिए। नाश्ता करके मैं ग्रॉसरी सेटअप करने के लिए आ गई, तो सबसे पहले मैं फ्रीजर को सेट करूंगी। यहाँ पे फ्रोजन मटर और कॉर्न यूजुअली मिलता है, आपको फ्रेश भी मिल जाता है पर इट्स नॉट अवेलेबल रेगुलरली। और ये दो चीजें हैं जो रौनव की फेवरेट है, तो मेरे किचन में ये बहुत यूज होता है, तो मुझे ये कन्वीनियंट बॉक्सेस में रखना रखता है क्योंकि हमेशा जब भी निकालना होता है वो ईजी पड़ता है, कभी कभी प्लास्टिक से क्या होता है स्पिल हो जाता है, मैं हमेशा इनको बॉक्सेस एयर टाइट कंटेनर्स में रख। और जो फ्रीजर का नीचे वाला शेल्फ है, फ्रेंच फ्राइज और मटर और कॉर्न, ये तीन चीज जो फ्रोजन आता है हमारे घर में, तो उसको प्लेस किया। एंड द टॉप मोस्ट शेल्फ में यूजुअली आइस क्यूब्स या आइसक्रीम्स जो भी होता है वो रखते हैं। फ्रिज का शेल्फ ड्राई हो गया था तो उसको मैंने फ्रिज में प्लेस किया, और जो भी ग्रोसरीज मुझे फ्रिज में डालना है उनको अब सेटअप कर लूँगी। सबसे पहले एग्स, यहाँ पे यूजुअली हम बड़ा वाला पैक ले आते क्योंकि हम थ्रू आउट द वीक कंज्यूम करते हैं, तो मुझे एग्स को ये एग कंटेनर में रखना बहुत कन्वीनियंट लगता है क्योंकि आप एक के ऊपर दूसरा बॉक्स स्टैक करके रख सकते हो, सेफ रहता है और टूटने का भी डर नहीं होता है, स्पेशली जब घर में बच्चे हो और वो फ्रिज हैंडल कर रहे हो। तो जो भी वेजेस मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ और जिसको आप वॉश करके रख सकते हो, मैं प्रेफर करती हूँ उसको वॉश करके फ्रिज में रखूँ ताकि कुकिंग टाइम में वो काफ़ी ईजी पड़ जाता है। यहाँ पे मैंने टोमेटोज को वॉश कर लिया और उसको अच्छे से ड्राई करके अब मैं ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में उसको फ्रिज में रखूंगी। किचन टॉवल डालने से उसका मॉइस्चर कंटेंट इंटैक्ट रहता है और वो जल्दी खराब भी नहीं होता है, तो ऐसे आप टोमेटोज को ऑलमोस्ट 2 weeks तक अपने फ्रिज में रख सकते हो। विथ लेमन्स आई विल डू द सेम थिंग। लेमन्स को बहुत लोग पानी में भी, कंटेनर में पानी डाल के भी रखते हैं, पर वो मुझे थोड़ा मैसी लगता है, इनकन्वीनियंट लगता है, बार बार खोलो तो पानी गिरता है, तो मैं ऐसे एयर टाइट बॉक्स में रखती हूँ और ये लगभग आराम से आई विल से 15-20 days ये आराम से रह जाता है। कैरेट को भी मैं सेम वे में जिप पाउचेस में डाल के रख दूंगी। यूजुअली रौनव को कैरेट बहुत पसंद है तो हम सलाद में ज़रूर खाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको एकदम पैकेट्स लेना पड़ता है और उसमें आप छाट के पतला वाला नहीं ले सकते हो, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ मोटे पीसेस भी आ जाते हैं जो आप यूजुअली सब्जी में डालते हो, तो वो अगर रेगुलरली कंज्यूम ना हो तो और सूखा पड़ जाए। वन वे टू मेक इट क्रंची अगेन, उसको किसी भी कंटेनर में या ग्लास में पानी डाल के अब अगर फ्रिज में रख दो तो काफ़ी फ्रेश रहता है, और जो भी कैरेट सूख जाते हैं उसको आप रिवाइव कर सकते हो। सो दिस इज़ वन टिप यू कैन डेफिनेटली ट्राई। मैंने एक फुल वीडियो बनाया था ऑन इंडियन कुकिंग मील प्लानिंग एंड प्रेपरेशन, इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो आई विल लिंक इट इन द आई कार्ड एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक इट आउट। Trust me, it will reduce your cooking time to half, and I do it every day in my kitchen.
बाकी सारे वेजिटेबल्स को भी मैंने ऐसे ही जिप पाउचेस में डाल के रख दिया। और जो वेजिटेबल्स मैं एक ही साथ कंज्यूम करूँगी, जैसे कि बीन्स हो गया, यहाँ पे मैंने फ्लैटन बीन्स लिया था, तो उसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, जब सब्जी बनाने वाले हो उससे पहले क्लीन करके यूज़ कर लेना, ईजी पड़ता है। सेम वे में मैंने ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, ये सब चीज़ों को किचन टॉवल में बॉक्सेस में रख दिया ताकि वो और लॉन्ग लास्टिंग हो। अनियन के लीव्स या प्याज के पत्ते को मैं सेम वे में क्लीन करके ड्राई करके रख दूँगी। उसके रूट्स को अगर आपके पास ऑप्शन है प्लीज़ फेंकना मत, उसको पानी में डाल के रख दो एंड विद इन अ वीक यू विल सी द लीव्स आर न्यू लीव्स आर कमिंग आउट। और उसको आप फिर पॉट कर सकते हो एंड उसको आप रेगुलरली उसमें से ही कंज्यूम कर सकते हो जब भी थोड़ा बहुत आपको चाहिए होता है। लेटस लीफ को भी सलाद में हम बहुत खाते हैं, तो उसको भी सेम प्रोसेस में मैं क्लीन करके ड्राई करके स्टोर कर दूंगी। द लोएस्ट शेल्फ ऑफ योर रेफ्रिजरेटर इज़ यूजली द कूलेस्ट वन, सो आई यूज़ इट टू कीप माई लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स। On the refrigerator door, the topmost rack, I use it to store जो भी dry fruits होता है उनको मैं transparent boxes में रखती हूँ। The middle rack, उसमें सारे sauces, ketchups या जो भी चटनी या कुछ होता है उसको रखती हूँ। And सबसे नीचे वाला shelf में milk रखती हूँ। The topmost rack of the freezer section, I use it to keep ice cubes or ice cream. And the lower two racks, usme main frozen items rakhti hu. So this is the final look of my organized refrigerator. It feels really great. Hope aapko video acha laga. Video acha laga to like karna, channel ko subscribe karna. Till then, bye bye. See you next time.